नगर निकाय चुनाव में आज होगी सुनवाई, हाईकोर्ट करेगा आरक्षण मामले में सुनवाई। कोर्ट में दाखिल है ओबीसी आरक्षण को लेकर याचिका, सभी राजनीतिक दलों की हाईकोर्ट के फैसले पर नजर टिकी हुई है। तो यह बड़ी जानकारी फिलहाल आपको दे रही है, हाईकोर्ट करेगा आज आरक्षण मामले में सुनवाई और ऐसे में कोर्ट ने दोनों पक्षों को अपने अपनी दलील रखने की बात कही है और ऐसे में इस संबंध में सभी राजनीतिक दलों की हाईकोर्ट के फैसले पर नजर टिकी हुई है। तो यह बड़ी जानकारी फिलहाल इस वक्त आपको दे रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रामानुज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रामानुज, देखिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है और सभी राजनीतिक दलों की हाईकोर्ट के फैसले पर आज नजर बनी हुई है। देखिए हिमानी, अगर बात की जाए कि उत्तर प्रदेश के अंदर नगरीय निकाय का इतना महत्व है कि ये तस्वीर साफ करता है कि शहरी वोटर क्या चाहता है, और ऐसे में सभी राजनीतिक दलों की नज़र बनी हुई है कि नगरीय निकाय के अंदर ओबीसी आरक्षण के ऊपर क्या फैसला आने वाला है, और ऐसे में इस फैसले के अंदर जो भी निर्णय होगा वो सभी लोगों को मान्य होगा। लेकिन ये भी माना जा रहा है कि जो PIL दाखिल करने वाले लोग हैं वो जो है उत्तर, अगर इसमें पूरा मामला नहीं बनता है आरक्षण को लेकर तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा सकते हैं। तो ऐसे में अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर किस तरीके से निकाय चुनाव की व्यवस्थाओं को रखा जाए, ये सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर दी गई हैं। लेकिन सारा मामला हाईकोर्ट के पास अभी पेंडिंग है। आज अगर हाईकोर्ट ये निर्णय देता है कि क्या आरक्षण के अंदर जो है पुराने आरक्षण को ही 2017 के को ही माना जाएगा या फिर नए परिसीमन को एक बार फिर से जो है चुनाव आयोग और राज्य सरकार को निर्देशित आदेशित करेगी हाईकोर्ट, ये फैसला आने के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन ये जरूर है कि सभी राजनीतिक दलों की नज़र बनी हुई है कि क्या फैसला आएगा और उस फैसले के बाद ही तस्वीरें साफ हो पाएंगी कि निकाय चुनाव इस बार होंगे जनवरी के अंदर या फिर टल जाएंगे। तो ऐसे में अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश की नज़र भी इस पर टिकी हुई है कि किस तरीके से निकाय चुनाव के ऊपर आदेश आता है हाईकोर्ट से। अगर आदेश हाईकोर्ट PIL कर्ता के पक्ष में देता है तो जाहिर सी बात है ये चुनाव जो है मार्च अप्रैल तक टल सकते हैं। अगर हाईकोर्ट जो है सरकार के के लिए देता है अगर पूरा निर्णय तो जाहिर सी बात है कि जनवरी में ही इस चुनाव को कराने की जो है कवायद, या यूं कहे जनवरी में ही इस चुनाव को संपन्न कराने की पूरी तैयारी सरकार ने कर रखी है। तो ऐसे में अगर बात की जाए सारा निर्णय जो है हाई कोर्ट के निर्णय पर तय करता है कि क्या आगे की रूपरेखा होगी, और ऐसे में आज जब सुनवाई होगी तो दोनों पक्ष अपना अपना जो है पक्ष रखेंगे। और ऐसे में रामानुज, देखिए कोर्ट ने पहले ही कह दिया था कि दोनों पक्ष अपनी अपनी तैयारियों के साथ आए, क्योंकि यहाँ पर असमंजस की स्थिति देखी जा रही थी। रामानुज, साफ कहा है कि 2017 के परिसीमन में भी जो दिखाया गया है उसके अंदर भी ओबीसी प्रकार की जो कम करनी चाहिए सरकार की। तो ऐसे में अब कोर्ट कौन सा निर्णय देता है हाई कोर्ट के निर्णय के बाद ही पता चल पाएगा कि किस तरीके से क्या चुनाव जो है जनवरी में होंगे या फिर मार्च अप्रैल तक के लिए टल दिए जाएंगे।